डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं, जो एनसीईआरटी बुक से हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चंस को, यानी कि 6.3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसके आगे अब हम लोग आइए पढ़ते हैं 6.4 के क्वेश्चंस को। अब 6.4 के क्वेश्चंस को डायरेक्टली तो स्टार्ट करते नहीं हैं, आपको भी पता है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 6.4 में थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स है, नाम है उसका अप्रोक्सीमेशन, ध्यान दीजिएगा। और इस अप्रोक्सीमेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और दोस्त, चूंकि हम लोग जानते हैं ना कि मैथ जो होता है अपना माइंड लगाकर सॉल्व किया जाता है, रटा नहीं जाता है, आज हम लोग 6.4 में वैसा ही क्वेश्चंस को करने वाले, जो आपको अपना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अगर अपना आप दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो एक्सरसाइज है वो सोचने वाला है, समझने वाला है, देन क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर आपसे बनेगा। बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग लगाए नहीं बनने वाला है। तो हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेशन को सीख रहे हैं। अब अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। जैसे आप रूट टू का मान अगर निकालते हैं या 22/7 का वैल्यू निकालते हैं, तो आप जब इसका डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करते 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 पॉइंट में बहुत सारा आएगा, लेकिन हम लोग लगभग में पॉइंट के 1 से 2 डिजिट तक लिखते हैं, यानी इसका वैल्यू लिख देंगे 3.14। तो यही होता है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब लगभग। ठीक है, जैसे मान लिया 2.82643 है, तो हम इसी को 2.9 के करीब या 2.8 लिख सकते हैं, यानी कि इसको पूरा पॉइंट को ना लिख के लगभग मान होता है वो। ठीक है, लगभग, इसलिए अप्रोक्सीमेशन का हिंदी हुआ लगभग मान। ठीक है, उसके करीब का वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेशन को तो हम लोग समझे, लेकिन इसका हिंदी समझे ना कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, पूरा तो अभी हम लोग का बाकी ही है काम। तो चलिए, हम लोग अप्रोक्सीमेशन में कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एफएक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? एफएक्स। और एफएक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स, उसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि कोई भी फंक्शन हमें किस में दिया हुआ रहेगा? एक्स में दिया रहेगा, एक्स में दिया रहेगा। अगर कोई भी फंक्शन आपको एक्स में दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला का यूज करना है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप रट लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज VVI फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जरा देखते हैं। एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। अब रहा बात कि सर यहां पे एक्स और डेल एक्स क्या है, एक्स और डेल एक्स आखिर है क्या? तो एक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको हम लोग थिंकिंग वैल्यू भी कहते हैं, थिंक मतलब सोचना, तो इसको हम लोग अपने से सोचा हुआ मान भी बोल सकते हैं। किसको? इस एक्स को।
और इसके साथ एक डेलेक्स लगा हुआ है। अब डेलेक्स का मतलब, डेलेक्स का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज, एक छोटा सा चेंज, ठीक है, एक छोटा सा वैल्यू इज इक्वल टू एफएक्स। एफएक्स मतलब ये तो आपको सवाल में दिया रहेगा, प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन इनटू डेल एक्स, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले को आप याद रख लो, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम लोग किसी का भी मान निकालने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब जरा आपको समझ नहीं आता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो दोस्त थ्योरी में तो और भी कुछ चीजें हैं, थ्योरी अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लेकिन इस थ्योरी में जो अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़े, सबसे पहले इतना का यूज समझ लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। याद रहे थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी हम और इस पे क्वेश्चन लाने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं, दैट इज एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, सवाल क्या बोला जरा समझिए, एक एग्जांपल पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि आप वैल्यू निकालो 25.3 का मान कितना होगा। सवाल देखिए, 25.3 का वर्गमूल कितना होगा, ये क्वेश्चन बोला, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को बोला। सबसे पहले दोस्तों जो रूट के अंदर होता है, जो रूट के अंदर होता है या फिर जो आधार होता है उसको एक्स माना जाता है। जैसे मान लिया कि रूट में अगर 15 आ जाए तो यहां पे हम 15 को मान लेंगे एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा, रूट का रूट वैसे ही छोड़ देंगे लेकिन 15 के जगह पे एक्स लिख देंगे। चीजों को समझिए, अगर मान लिया कि पावर वाला आ गया, जैसे 8 के पावर 1/4, तब यहां पे आप एफ एक्स किसको मानिएगा, एफ एक्स बराबर 8 के, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात, यानी कि पावर। तो पावर को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आधार को मानना होता है। तो यहां एफ एक्स बराबर मानेंगे एक्स के पावर 1/4, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि दो ही सिचुएशन नजर आएंगी, पहला कौन सी नजर आएंगी, पहला या तो आपको रूट में सवाल देगा, आपको सवाल या तो रूट में देगा या तो फिर पावर में देगा। तो अगर रूट में दे दिया, जैसे मान लिया 17, तो आप यहां पे एफ एक्स का वैल्यू क्या मानिएगा, एफ एक्स बराबर आप रूट को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ रूट के अंदर वाला को एक्स मानिएगा। समझ में आ रहा है, ये छोटा छोटा बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे मान लिया कि अब दे दिया 19 के पावर 2/4, तो आप किसको एक्स मानिएगा, तो हमेशा आधार को एक्स माना जाता है। तो यहां पे लिखिएगा एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 2/4, यानी कि जो पावर रहेगा वो वैसे ही रहेगा लेकिन आधार को आपको एक्स मानना है, ठीक है। समझ रहे ना चीजों को, कि आखिर किसी का भी मान निकालना होगा तो हमारे पास दो ही सवाल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, तो या तो रूट में दिया रहेगा या तो वो पावर में दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर रूट में दिया रहेगा दोस्तों, तो रूट के अंदर वाला को मानिएगा एक्स, और अगर पावर वाला में दिया रहेगा तो ऊपर से हमको मतलब नहीं है। जैसे मान लिया 999 के पावर दे दिया 10/15 या 10/15, तो आप एफ एक्स का किसको मानिएगा, तो आप एफ एक्स बराबर मानिएगा एक्स के पावर 10/15, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी मान अगर आपको निकालना रहेगा
तो एक्स किसको मानना है, तो रूट वाला सवाल रहेगा, तो रूट के अंदर वाला को एक्स मानिएगा, और रूट का तो रूट रहेगा ही रहेगा, और अगर पावर वाला आएगा क्वेश्चन तो आधार को आप एक्स मानिएगा, पावर का वैसा ही छोड़ दीजिएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गया होंगे। तो अब आप इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब चलिए जरा हम समझते हैं, अब आते हैं हम लोग उसका यूज, जो भी हम लोग फार्मूला पढ़े ना उस फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है अप्रोक्सीमेशन में, या अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू निकालने में, जरा समझिए। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है रूट अंडर 25.3। या तो आप मोबाइल होगा तो आप फट से इसका रूट अंडर कर लेंगे कैलकुलेटर, लेकिन कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, इसका हम लोगों का इस्तेमाल करना है जो अभी अप्रोक्सीमेशन का रूल सीखे हैं उस रूल का। ठीक है, सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो आप एफ एक्स मानिएगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, रूट का तो रूट छोड़ देते हैं रूट वाले सवाल को, लेकिन अंदर वाला को एक्स मान लिया जाता है, आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब जिसको आप एफ एक्स मान लिए, दूसरा स्टेप में आपको करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी कि एफ एक्स आप जिसको माने हैं उसको आप, इसलिए एफ डैश एक्स का मतलब दोस्तों डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, जिसको आप एफ एक्स माने हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/2 √x। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का। ठीक है, तो इसीलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां कितना आएगा, 1/2 √x। अब सबसे पहले तो आप एफ एक्स मानना है हर सवाल में, ध्यान दीजिएगा हर सवाल में आपको एफ एक्स मानना है, उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, उसके बाद लिखना है वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, यही ना जानते हैं भाई हम लोग। अब यहां के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, क्या करना है, रुकना है। अब आप ये देखेंगे यहां से कि हम लोग एफ एक्स प्लस डेल एक्स, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों कि पी एक्स का वैल्यू अगर 2x² + 4x + 3 है तो आप पी टू का मान कैसे निकालते थे, तो जहां जहां एक्स रहता था वहां वहां 2 रखते थे ना। वैसे ही आप सोचो कि एफ एक्स का वैल्यू रूट अंडर एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स नहीं लिख सकते क्या, ये फार्मूला होता है, ये कहां से आया, तो ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं जब एफ एक्स का वैल्यू ये है तो एक्स के जगह पे एक्स लिखे तो यहां पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स का रूट में लिख देंगे एक्स प्लस डेल एक्स, वैसे ही बराबर इस एफ एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स के जगह पे लिखेंगे रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स के जगह पे कितना, एफ डैश एक्स के जगह पे 1/2 √x इंटू डेल एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां के बाद आपको ये देखिए फार्मूला होता है रूट एक्स का 1/2 √x, जैसे हम लोग पढ़े थे ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वैसे ही ये भी आप रट लो तो अच्छा रहेगा।
तुरंत पुट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए यहां तक तो चीजें समझ में आ गया। अब आप समझो, हियर हियर यहां हमें किसका मान निकालना है, रूट अंडर में 25.3 का मान निकालना है, और यहां रूट अंडर में क्या है, x प्लस डेल x, है ना। हमें किसका मान निकालना है, सवाल देखो भाई, रूट के अंदर 25.3 का मान निकालना है। अब यहां हमें रूट के अंदर x प्लस डेल x है, तो यहां पे आप x प्लस डेल x का मान जो है 25.3 रखेंगे। यहां पे आप इसके जगह पे आप अगर 25.3 रखेंगे तभी ना मान निकलेगा। तो आप x के जगह सॉरी इतना के जगह पे x प्लस डेल x के जगह पे कितना रखेंगे, 25.3। अब इतना चीज रखने के बाद अभी आपका कुछ नहीं है, इतना चीज रख देने के बाद अब आपको जो काम करना है, यहां से हम लिखते हैं x का मान आपको अपने से सोचना है। सोचो भाई x का मान अब क्या सोचना है, क्योंकि x को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर हम उसको बोलते हैं थिंकिंग वैल्यू, ठीक है। अब रहा बात कि ये 25.3 है ना भाई, x प्लस डेल x के जगह पे, तो हम यहां पे चूंकि 25.3 का मान निकालना है तो रूट का तो रूट है, अब 25.3 ना इसके जगह पे रखेंगे। यहां तक के तो सब कुछ समझ जाता है, लेकिन अब x का मान दोस्तों अपने तरीके से सोच के रखना है। अब अपने तरीके से सोच के क्या रखना है, अब जरा समझिए। अब इस जो सवाल है ना उस पे फोकस कीजिए कि वर्गमूल कितना का निकालना है, 25.3 का। तो 25.3 का जो वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो x का मान वही होगा जो 25.3 के आसपास का नंबर, आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। फिर से बोल देते हैं, चूंकि x क्या है, थिंकिंग वैल्यू है। अब थिंकिंग वैल्यू का मतलब कौन सी, अपने से सोच के मान रखना है x के, है ना। x का ऐसा मान सोच के रखना है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए और 25.3 के आसपास है। आसपास का मतलब नजदीक में है। तो दोस्त आप सोचना शुरू किया क्या, अच्छा देखते हैं 25.4 होता है कि नहीं, तो ये भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25.5 भी नहीं निकलेगा, 25.6 भी नहीं निकलेगा, 26. देखते हैं 25.7, इधर सोचना शुरू किया तो नहीं निकलेगा। अब जरा इससे पीछे देखते हैं, 25.2 नहीं, 25.1 नहीं, अब पता चला कि इसके नजदीक में 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। यानी कि देखो यहां तक जो है ना हर बच्चे समझ जाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना है, लेकिन अटकते वो कहां है, x पे आकर, क्योंकि x जो है ऐसा वैल्यू है दोस्त, क्योंकि यहां पे आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे आप देखिए 25.3 के आसपास का नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो आप देखेंगे कि 25 का भी वर्गमूल निकल सकता है, फिर 36 का भी वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन 25 और 36 में आसान कौन है, 25.3 के नजदीक कौन है, तो 25 है, 36 तो बहुत आगे हो जाएगा ना, समझ रहे ना चीजों को। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 25.3 के आसपास का ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल वाला सवाल है तो जैसा सवाल रहेगा वैसा ही ना सोचना है। ये वर्गमूल वाला सवाल था तो आपको वर्गमूल के बारे में सोचना है कि 25.3 के आसपास का ऐसा नंबर, आसपास का ऐसा नंबर जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तब पता चला कि अच्छा
एक्स का वैल्यू क्या हो गया 25। दोस्तों एक्स का वैल्यू अब 25 हम क्यों लिखे, समझ में आ गया ना, वो अपने से सोचकर 25.3 या कुछ भी सवाल रहेगा उसके आसपास का नंबर ढूंढना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो आसपास का नंबर कौन पता चला 25, वो हो जाएगा हम लोगों का किसका मान, एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अपने से सोच के लिखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं थिंकिंग वैल्यू। थिंकिंग का मतलब अपने से सोच के लिखा जाता है एक्स का मान। अब एक्स का मान हम कितना सोच लिए 25, तो यहां पे चूंकि एक्स प्लस डेल एक्स का मान कितना था 25.3, तो एक्स का मान जितना आप सोचिएगा उसका इस समीकरण में मान रख के डेल एक्स का मान आपको निकालना है, समझ रहे ना चीजों को। तो एक्स प्लस डेल एक्स का मान 25.3 था, हम x के जगह पे कितना सोच लिए 25 प्लस डेल एक्स 25.3, इसलिए डेल एक्स का मान कितना होगा, तो 25.3 में से उधर गया 25, तो इसलिए डेल एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0.3। ठीक है, यानी कि यहां तक के क्वेश्चन को करने के बाद आपको क्या करना है, x के बारे में अपने से सोचना है, ऐसा कुछ सोचना है, थिंक करना है कि जो दिया गया सवाल है उसका मान आसानी से निकल जाए और उसके आसपास का नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा, उससे मतलब नहीं, आसपास का नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो यहां x प्लस डेल x का वैल्यू, यहां फिर x का वैल्यू आप जितना सोच पाएंगे उसका मान यहां x के जगह पे रख के डेल x का मान निकाल देना है। डेल x का मान निकल गया, अब जब डेल x का मान निकल गया तो अब यहां पे लिखिएगा नाउ नाउ ये वाला से चलेंगे उसके नीचे वाले से रूट अंडर, तो आप यहां पे लिखिए रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पे कितना रखना है 25.3 बराबर रूट एक्स, तो रूट एक्स का मान हम सोच लिए हैं कितना 25 प्लस कर देंगे 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो एक्स का मान कितना रखना है भाई 25, फिर इंटू डेल एक्स, ये इसी को बोलते हैं अ स्मॉल चेंज। अ स्मॉल चेंज का मतलब छोटा सा बदलाव, और छोटा सा बदलाव का मान कितना आया है 0.3, तो यहां 0.3 लिख दीजिए। यहां पे अब रूट 25 का वैल्यू कितना, तो रूट 25 का वैल्यू 5 प्लस 1/2 × 5 इंटू में 0.3, फिर मिटाते हैं। अब सॉल्यूशन कर लेना है इसके बाद, ये हो गया 5 प्लस 0.3 को गुना कीजिए 1 से तो 0.3 और 5 दुना का 10, तो यहां हो गया 5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 और ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5.03 आंसर। यानी कि दोस्तों हमें किसका मान निकालने के लिए बोल रहा था, रूट अंडर 25.3 का मान, तो रूट अंडर 25.3 का मान कितना आएगा, लगभग में 5.03 आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ना, किसी भी चीज को लगभग में मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल नंबर 1 था, हम लोग और एग्जांपल करेंगे तरह तरह का एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। एग्जांपल नंबर 2 चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, मान लिया एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2 कि आप जो है ना 0.6 का वैल्यू निकालो। ठीक है, किसका वैल्यू बोला भाई 0.6 का वैल्यू निकालो।
तो 0.6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, आप देखते रहना। चलिए तो एक अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 0.6 का वर्गमूल पूछ रहा है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा उसको कुछ मानना होगा। तो एफएक्स बराबर मान लिया, क्या मान लिया भाई एफएक्स बराबर, जरा देखिए। तो एफएक्स बराबर रूट अंडर के जो अंदर रहता है उसको हम लोग मानते हैं, तो मान लिया रूट एक्स। जब रूट एक्स मान लिया एफएक्स बराबर, तो यहां से इसलिए आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। क्या होता है एफ डैश एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग याद कर लिए 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब आप लिखिएगा इसके बाद वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब चूंकि ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एफ एक्स का वैल्यू रूट अंडर एक्स है तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स। नहीं, जब एफ एक्स का वैल्यू यहां पे 2 रहता तो रूट 2 लिखते हैं, उसी के अंदर ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स है तो रूट के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, इज इक्वल टू एफ एक्स का जब एक्स है तो इसको हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस एफ डैश एक्स का मान कितना है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स का डेल एक्स छोड़ दीजिए। दोस्तों यहां पे हमें हियर किसका मान निकालना है, तो रूट अंडर 0+6, रूट अंडर 0+6। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर रूट 0.6 रखना पड़ेगा, क्योंकि रूट तो रूट है ही है, रूट तो रूट है ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पे आपको रखना पड़ेगा 0.6। यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन एक्स का मान क्या होगा वो अब जरा सोचना है। दोस्त हम कह रहे हैं कि 0.6 के आसपास का नंबर आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो आप 0.6 के आसपास का नंबर सोचिए, आप 0.7 पे विचार कीजिए, 0.8 पे विचार कीजिए, 0.5 पे, 0.4 पे, तो आपको पता चलेगा। कितने लोग तो ये सोच रहे होंगे कि सर 0.4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना 0.2, तो नहीं, 0.4 का वर्गमूल 0.2 नहीं होता है, गलत है, 0.04 का होता है 0.2, क्योंकि 0.2 को 0.2 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक के बाद ना होगा पॉइंट, इसलिए आप गलत नहीं सोचे, सही सोचे। इसलिए हमेशा हम बार बार कहते हैं कि आप कैलकुलेशन अच्छे से करो, ठीक है। तो 0.4 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू ऐसा सोचो कि क्या हो जाए, ऐसा सोचना है कि जो इसके आसपास का नंबर रहे, जो इसके आसपास का नंबर रहे और पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो भाई आप 0.4 पे सोचे तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है, आप 0.7, 0.8, 0.9 भी सोचे तो नहीं पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है। तो आप 0.9 के बाद कितना नंबर पे आ गए, 1, और 1 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है,
और आप सोच पा रहे होंगे कि सर जीरो का भी तो वर्गमूल 0/6 का हो जाता है, तो भाई मेरे 0.6 है और 0.6 एक लड़का है और एक तरफ उसको एक है और एक तरफ जीरो है, ये लड़का है और इसका इसको मार्केट करना है, एगो मार्केट 1 है और एगो मार्केट 0 है, तो जो मार्केट तुम्हारा नजदीक पड़ेगा वही ना तुम मार्केट करेगा, कि तू नबी नगर छोड़ के वो बनारस दिल्ली कलकत्ता सब्जी खरीदने जाएगा नहीं ना। तो कहने का मेरा मतलब 0.6 के हम आसपास नंबर खोजने के लिए बोले थे, 0.6 से नजदीक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, क्योंकि यहां वर्गमूल वाला सवाल है। तो आप पाएंगे कि 1 होगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि 0.7 का भी नहीं निकलता। कोई बोल रहा हो कि सर 0.9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना 0.2, तो नहीं बाबू तुम निकाल के देख लो इतना नहीं आएगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। 0.3 किसका वर्गमूल होता है, तो 0.09 का होता है, सिर्फ 9 का नहीं होता है, ठीक है। तो उसके आसपास का नंबर हमें कौन मिला, 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 0.6 के नजदीक में भी है और पूरा पूरा वर्गमूल भी निकलता है। तो दोस्तों अब हमको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना रखना, 1। और यही तो जब ये आप सोच लिए ना तो समझिए कि आपका पूरा सवाल जो है बन गया, ठीक है, आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि सब में यही चीजें हार्ड है, यही चीजें हार्ड है। और आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि x के मान क्या रखा जाए, कि वर्गमूल वाला सवाल है तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसा सवाल रहेगा वैसे ना सोचेंगे हम। तो x का वैल्यू सोच लिए कितना, 1। तो जब x का वैल्यू सोच लिए तो इस समीकरण में अब लिखिएगा कि चूंकि x प्लस डेल x का वैल्यू था 0.6, अब x के जगह पे कितना आया, 1। तो 1 प्लस डेल x बराबर 0.6, इसलिए डेल x इज इक्वल टू 0.6 माइनस में 1, क्योंकि डेल x का मान निकालना होता है, तो डेल x का मान निकल गया कितना, माइनस 0.4। अब माइनस 0.4 निकल गया तो अब क्या करना है, सबका मान पुट कर देना है इसमें। अब लिखेंगे नाउ रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स का के जगह पर कितना रखना है, 0.6 बराबर रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स के मान कितना हम सोचे हैं अपने से, 1 प्लस 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब रूट 1, इंटू डेल एक्स, डेल एक्स का वैल्यू कितना, माइनस में 0.4। अब देखिए आप यहां पे तो एक का वर्गमूल 1 प्लस, यहां पे प्लस माइनस क्यों कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 0.4 को ऊपर गुना किया 0.4, एक का वर्गमूल 1 और 1 को 2 से गुना किया तो 2, और 2 से 1 कटेगा तो 0.2 बार में, तो 1 में से अगर 0.2 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 0.8 आंसर। तो दोस्तों 0.6 का वर्गमूल कितना आ गया, 0.8, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि 0.6 का वर्गमूल हमको करते करते 0.8 आया। तो इस तरीके से हम लोगों को मान निकालना होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलिए हम लोग दूसरे तरफ का क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें मान निकालना है, कैसे मान निकालना है दूसरे तरह का, रूट वाला तो सीख गए, अब आइए हम लोग पावर वाला कुछ क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग पहुंचे हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, सवाल है ऐसे 0.009 के पावर 1/3 का मान दोस्तों निकालना है। सवाल ध्यान से देखिएगा,
किसका मान बोल रहे हैं, किसका मान 0.009 के पावर 1/3 का मान हमें निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है, हम क्या बोले कि जब भी पावर वाला रहेगा तो हमेशा आधार को जो है ना एक्स मानते हैं, आधार को क्या मानते हैं एक्स। तो यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का मान हम निकालेंगे, आधार को एक्स मानेंगे तो एक्स के पावर 1/3, ठीक है, एक्स के पावर 1/3। जब एफ एक्स का मान हम मान लिए एक्स के पावर 1/3, ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है अब डिफरेंशिएशन, यानी इसलिए एफ डैश एक्स का मान हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, याद है ना कि जब पावर रहता है तो पावर को पहले लिख देते हैं, अब एक्स के पावर में एक घटाते हैं तो 1/3 - 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1/3 × x^-2/3, यानी कि कुछ भी एफ एक्स मानेंगे ना उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। सबसे पहले बात हम ये भी आपको बता चुके हैं कि अगर पावर वाला सवाल आए तो आपको एफ एक्स कैसे मानना है, तो जो आधार रहेगा उसकी जगह पे एक्स लिखना है और जो कुछ भी पावर रहेगा वैसे ही छोड़ देना है। तो इसको करते करते आप एफ डैश एक्स निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है आपको लिखना है वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वही फार्मूला, कौन सा एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब आप ये सोचो कि एफ एक्स का मान एक्स के पावर 1/3 है तो यहां पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स है तो एक्स था तो एक्स आधार में रखे, यहां पे टी रहता तो आधार में टी रखते हैं, लेकिन यहां पे क्या है एक्स प्लस डेल एक्स है तो यहां एक्स प्लस डेल एक्स के पावर 1/3 रखेंगे, आधार में हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि यहां पे एफ एक्स था तो एक्स आधार था, यहां एफ एक्स प्लस डेल एक्स है यानी कि ब्रैकेट में, तो यहां ये लिखेंगे बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स के पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आया 1/3 एक्स के पावर -2/3 इंटू डेल एक्स, ठीक है, यहां तक तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए कि हमें मान किसका निकालना है, तो 0.009 के पावर 1/3 के मान निकालना है, तो ये मान तभी ना निकलेगा जब यहां पे एक्स प्लस डेल एक्स का मान, हियर एक्स प्लस डेल एक्स का मान कितना रहेगा 0.009 रहेगा भाई, इसके जगह पे 0.009 रखेंगे तब ना 1/3 उसका वैल्यू निकलेगा। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक आप आएंगे बिना प्रॉब्लम के साथ, लेकिन अब जो प्रॉब्लम होगा ना एक्स के बारे में सोचना है, ऐसा मान सोचना है दोस्तों जो 0.009 का करीब हो लेकिन उसका 1/3 पावर किया जाए तो उसका मान आसानी से निकल जाए, ठीक है, सवाल समझिए 0.009 का करीब का एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका पावर 1/3 करने से उसका मान आसानी से निकल जाए। दोस्तों वहां पे वर्गमूल था तो वर्गमूल के बारे में सोच रहे थे कि उसके आसपास का ऐसा नंबर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, लेकिन इसमें उसके आसपास का नंबर यानी कि 0.009 के आसपास का एक ऐसा नंबर ढूंढना है
जिसका पावर 1/3 करने से उसका सीधा सीधा मान सही रूप में अच्छे से निकल जाए। आप सोचो कि आखिर इसके आसपास का नंबर क्या होगा। तो दोस्तों 0.009 के करीब का एक ऐसा नंबर ढूंढना है, तो आप 0.008 ढूंढेंगे, 0.007 ढूंढेंगे, 006 ढूंढेंगे, ऐसे ही ना। या फिर हो सकता है कि इसके बाद का नंबर तो 0.10, 0.11, 0.12 ऐसा ही ना ढूंढेंगे आप, सॉरी 0.010, 0.011, 0.012 ये सब पर चेक करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इसके आसपास का नंबर दोस्तों 0.008 है। क्यों 8 है? क्योंकि इसका पावर 1/3 करेंगे तो हम लोग उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे ना या 9 क्लास में, घातांक और करनी नामक चैप्टर हिंदी में, हिंदी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो घातांक और करनी पढ़े होंगे, और जो अंग्रेजी में पढ़े होंगे वो सर्स एंड इंडिसेस नामक चैप्टर पढ़े होंगे। तो वहां पे था हम लोगों को कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता था ना, तो हम लोग इसको ऐसा टर्म में तोड़ने का प्रयास करते थे कि यहाँ का पावर कुछ टूट जाए और इसको गुणा कर दे। यानी दोस्तों इसके आसपास का नंबर 0.008 हुआ, जिसका हम लोग 1/3 आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, तो 0.00 अगर 8 रहता तो क्या हम इसको 0.2 का पावर 3 नहीं लिख देते? 0.2 × 0.2 × 0.2 को गुना करते तो 0.008 आ जाता। यानी कि 0.008 को 0.2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और उसका पूरा का पावर दोस्तों 1/3 है, और यहां से 3 और 3 खत्म, इसलिए इसका आसानी से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते। तो मेरा सवाल यही था कि आपको इसके आसपास का ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 1/3 करने से आप उसका मान आसानी से निकाल लेंगे, तो उसके आसपास का नंबर कौन हुआ? 0.008। क्यों? क्योंकि इसका 1/3 करने से आसानी से मान निकल जा रहा है। घातांक और करनी में आप ऐसे सीखे होंगे कि यहाँ पे जो पावर में अगर जो नीचे होता है ना, उतना ही पावर में इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने से बाद में ये कट जाता है। तो दोस्तों इतना चीज हम लोगों को समझने के बाद ये चीजें समझ में आ गया। अच्छा सॉरी, एक बार मिटा गया ना यहाँ पे, गलती से यहाँ पे मिट गया, तो ठीक है। चलिए, तो यहां से हमको पता चला कि x के जगह पे कितना रखा जाना चाहिए, 0.008। दोस्तों ये जो है ना, आपको इसीलिए तो बोलते हैं, लोगों को यही प्रॉब्लम होगा, x का मान यानी कि थिंकिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी पे लोग परेशान होते हैं। जब x का मान निकल गया दोस्तों, तो अब यहाँ के बाद लोगों को सब चीज समझ में आने लगता है, सिंपल वे में समझ में आने लगता है कि x के जगह पे 0.008 है तो यहां पर रख दीजिए, चूंकि x प्लस डेल x का मान 0.009 है, तो x के जगह पे कितना रखना, 0.008 प्लस डेल x बराबर 0.009। इसलिए डेल x का मान यहां से निकाल लीजिए, 0.009 माइनस 0.008, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.01। ठीक है, तो घटाने के बाद हम लोगों को इस तरीके से मिल गया। उसके बाद क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो x प्लस डेल x के जगह पे कितना रखना है, दोनों का जगह पे 0.009 रख दिए पावर में 1/3 इज इक्वल टू x के जगह पे कितना रखना है,
0.008 के पावर 1/3, ठीक है, x की जगह पर रख दिए, फिर 1/3 है प्लस इंटू इस x के जगह पर कितना रख दिए 0.008 के पावर कितना -2/3 इंटू डेल एक्स, डेल एक्स का वैल्यू 0.001 और सबका मान निकाल देना है। चलिए मान निकालते हैं, जैसे कि आप घातांक और करने वाले चैप्टर में आप सीखे हुए होंगे कि जब भी अगर हम लोगों को इस तरीके से सिचुएशन रहता है 0.008 रहता है तो आप इसको 0.2 के पावर 3 तोड़ दीजिए, 0.008 हो जाएगा क्योंकि 0.2 × 0.2 × 0.2 सबको गुना कीजिएगा तो 0.008 आ जाएगा। तो हम इसीलिए इसको कितना पावर में तोड़ दिए 3 पावर में, क्यों, क्योंकि यहां पे ऊपर कितना है 1/3 है, तो जब पावर का पावर रहता है तो हम लोग पावर को गुना कर देते हैं, तो इसीलिए दोस्तों यहां पे हम लोगों ने तोड़ दिया है प्लस 1/3 इंटू इसको भी आप 0.2 के क्यू में तोड़िए और ऊपर चूंकि -2/3 है और इंटू 0.001, ठीक है, फिर इधर मिटाते हैं, काम का है नहीं तो मिटा दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं ये अगर गुना होगा, पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाएगा तो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 0.2 प्लस 1/3 इंटू, जैसा कि जानते हैं इसका और इसका कट जाएगा नीचे और ऊपर जब गुना होगा, तो ये पावर 3 है और ये -2/3 है, तो जब भी अगर पावर का पावर होता है तो ये गुना में हो जाता है और गुना में होगा तो एक नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.2 के पावर -3 गुना 0.001, फिर 0.2 प्लस 1/3 इंटू, और पता है ना कि अगर पावर में अगर माइनस रहता है तो ये प्लस में आ जाता है, नीचे लाते हैं तो ये प्लस में हो गया 3, 0.3, 0.2 के पावर -3 था तो ये हो गया प्लस में, फिर इंटू में कितना 0.001, आप देख पा रहे होंगे इसको 0.2 प्लस इसको आप कीजिएगा तो 0.001 आएगा और नीचे 3 इंटू इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.008, ठीक है, ये चीजें आएगा। अब इन चीजों को हम लोग कैसे करेंगे, तो 0.001 को 1 से गुना किया तो 0.001 हो गया और नीचे वाले 3 को 3 नीचे लिख दिया है, ठीक है, और 0.2 को 3 बार गुना करने से 0.008 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि इसी को सॉल्यूशन करते करते हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। यहां पे क्या है तो 0.2 प्लस, अब देखिए इधर भी 3 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 3 अंक के बाद, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा 1/8 को 3 से गुना करेंगे 24। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2/10 प्लस 1/24 और यहां पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 10 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 240, हालांकि 120 भी कर सकते हैं, 120 है ना, और 10 से कितना बार में कटेगा 12 बार में, 12 गुना 24 प्लस 24 25 तो यहां हो जाएगा 5, 24 और 5 29/120 और इसको डिवाइड कर लीजिएगा कितना आता है, डिवाइड करने के बाद वो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पावर वाले सवाल को हम लोग कुछ इसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि दो ही टाइप का सवाल में दिया हुआ है और हमें इसी तरीके को क्वेश्चन मिल भी सकता है,
या तो स्क्वायर रूट में, वर्गमूल वाला में, नहीं तो फिर पावर वाले में। फिर हम लोग आते हैं इस बार क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं इस बार हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 4 कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, 3.968 के पावर कितना है भाई, 3/2 का मान निकालना है। सोचो जरा सवाल क्या बोला कि 3.968 है, अब इसमें इसका पावर जो है ना 3/2 है, तो आप अभी से सोचना शुरू कर दो क्योंकि अभी हम टाइम दिए हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप सोचो कि इसके आसपास का नंबर किसके आसपास का भाई, 3.968 के आसपास का नंबर जिसका पावर 3/2 आसानी से निकल सकता है, वो कौन सा नंबर है सोचिए। 3.968 के करीब का नंबर आपको सोचना है जिसका हम लोग पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो नहीं सोच पाए ना, ठीक है सोचवाते हैं हम। फिलहाल ऐसे सवालों को हम लोग करेंगे क्या, किसको एक्स मानेंगे जरा देखिए, किसको एक्स मानेंगे ऐसे सवालों में। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले तो आप क्या लिखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2, ठीक है। आप ऐसे सवालों में इसको आप एक्स मान लीजिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3/2, ठीक है। जब इतना चीज हो गया तो अब आप इससे क्या निकालिएगा, एफ डैश एक्स कितना होगा, तो पावर 3/2 है बाहर कर लीजिए, एक्स के पावर क्या हो जाएगा तो माइनस, तो 3/2 में से माइनस 1 कर लीजिए, तो 3/2 एक्स के पावर 1/2 यही ना बनेगा। ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक फार्मूला, फार्मूला को कैसे लिखते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश एक्स डेल एक्स, ठीक है। ये चीजें फार्मूला होता है, ये फार्मूला हो गया। अब आप सोचो यहां पे भाई कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 3/2 था, तो एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल एक्स के पावर 3/2, क्योंकि एक्स अगर एफ एक्स है तो एक्स के पावर 3/2, एफ टी रहता है तो टी के पावर 3/2, तो जहां एक्स है वहां एक्स प्लस डेल एक्स है, तो उसका पावर 3/2 कर दिया इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू यहां एक्स के पावर 3/2, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे एफ एक्स की जगह पे पुट कर दिया, फिर प्लस एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 3/2 एक्स के पावर 1/2 इंटू डेल एक्स, ठीक है। अब ये चीज तो हो गया, अब आप सोचो हियर हमें किसका मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, तो 3.968 के पावर 3/2, तो पावर 3/2 तो ऑलरेडी पहले से है, इतना के जगह पे आप कितना रखेंगे, 3.968 यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पे कितना रखना होगा आपको, 3.968। अब दोस्त इतना रखेंगे और 3/2 तो ऑलरेडी है तो निकल जाएगा, लेकिन अब आपको मान सोचना है एक्स का वैल्यू कि क्या रखा जाए
इसके आसपास का वैल्यू जिसका 3/2 आसानी से निकल जाता है, निकल सकता है। तो आप सोचेंगे 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 तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है ना हम 4 सोचते हैं, और जब आप 4 सोचते हैं तो आप 4 रख कर और 3/2 निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों हम आखिर 4 क्यों सोचे? क्योंकि 4 के पावर 3/2 आसानी से निकल जाएगा, और इसके आसपास का भी है, 3.9 है भाई, तो उसके आसपास का नंबर सोचना था, हम सोच लिए 4, कौन सा दिक्कत कर दी है। लेकिन अब हमें ये कॉन्फिडेंस से होना चाहिए कि 4 के पावर 3/2 निकल सकता है, आसानी से निकलना चाहिए। तो इसका 3/2 आसानी से निकल जा रहा है, कैसे? 4 को आप तोड़ दो 2 के पावर 2 3/2, और जब इसको पावर का पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को पावर रहता है तो गुना कर देते हैं, और ये कट जाएगा और 2 के पावर 3 बराबर 8। तो आप देख पा रहे होंगे हम ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ मान सोचो कि जिसका हम लोग उतना का वैल्यू करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना हम लोग सोच लिए एक्स का वैल्यू? 4। अब एक्स का वैल्यू 4 सोचने के वजह से अब आप डेल एक्स निकाले, तो चूंकि एक्स प्लस डेल एक्स बराबर 3.968, एक्स के जगह पे 4 रखना है, डेल एक्स बराबर 3.968, इसलिए डेल एक्स इज इक्वल टू 968 - 4। और जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा जरा देख लेते हैं, कितना आएगा ना समथिंग घटाएंगे तो, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक ना। अब अगर बात करें तो डेल एक्स का भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नाउ करके अलग अलग वैल्यू निकाल लेना है सबका। तो अब लिखेंगे नाउ इस एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पे कितना करना है, तो नाउ इसके जगह पे मान रखना है 3.968 के पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के वैल्यू कितना 4 के पावर 3/2 प्लस 3/2 एक्स के पावर, सॉरी एक्स के जगह पे कितना 4 के पावर 1/2 इंटू डेल एक्स कितना है, तो -0.032 है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका वैल्यू निकल गया। अब जैसा कि जानते हैं कि इसका वैल्यू 4 है, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3/2, 2 से 2 कट जा रहा है, प्लस 3/2, यहां पे भी 2 का 2 स्क्वायर कर देते हैं, 1/2 और गुना में -0.032, 2 से 2 कट रहा है, तो कुल मिलाकर यहां पे 2 के पावर कितना बन रहा है, 3, प्लस माइनस माइनस कर दिए और 2 के पावर यहां 1 बन रहा है, तो 3 गुना 2 के पावर 1 गुना 0.032/2। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि इसमें जो हार्ड लोगों को लगता है वो सोचने वाला लगता है, ठीक है। तो 2 का वैल्यू 2 से कट गया, तो यहां 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8, माइनस करना है इतना, इसको गुना कर लो भाई, 0.096 को गुना कर लेंगे, तो यहां कितना बनेगा, 4007 ना, इतना। तो जब इतना घटाएंगे तो हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इतना का पावर 3/2 अगर करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 7.004। तो ये था हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं आपके स्किल को और डेवलप करने के लिए और हम लोग आगे सीखते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन हुआ है अभी तक के लेकर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है, इस बार
क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। ऐसा करते हैं, छब ये लेते हैं क्वेश्चन 0.999 के पावर, क्वेश्चन देखिए 0.999 के पावर 1/10 है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप सोचो कि इतना का पावर 1/10 का मान निकालना है, कैसे करेंगे भाई? आप अच्छे से चलो, लेट fx इज इक्वल टू, क्या हम बोले कि जब भी आधार वाला क्वेश्चन रहेगा और पावर वाला रहेगा, आधार को x मानते हैं, आप x के x मान लो और ऊपर 1/10 है तो ऊपर 1/10 रखेंगे। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर वाले को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से घटा देते हैं एक, तो यहां बन रहा है 1/10 एक्स के पावर -9/10, ये बन गया डिफरेंशिएशन। फिर आप आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और जानते हैं तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जैसे एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 1/10, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा, इसका हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स का पावर 1/10 इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 1/10 प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आया 1/10 एक्स के पावर -9/10 इंटू डेल एक्स। अब आप यहां पे आप चीजों को देख पा रहे होंगे, हियर एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, क्योंकि मान तो हमको इतना निकालना है, तो इसलिए एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे आप इतना रखेंगे, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अब x के वैल्यू क्या सोचा जाए, जो 0.99 का करीब है और इसका 1/10 का पावर आसानी से निकाला जा सकता है, सोचो भाई सोचो, तो आप सोचेंगे तो 0.99 के करीब का संख्या 1 है, 1 का पावर 1/10 आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 1 के पावर 10, अरे 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1 के पावर हम 10 कर दिए और इसका पावर 1/10 है पहले से, तो 10 कट गया, तो 1 के पावर 1 यानी कि 1। ऐसा आसपास का नंबर ढूंढना होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग x का वैल्यू उतना रखेंगे तो उतना पावर करने पर वो पावर कैंसिल हो जाए, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए तो यहां पे आपको x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 1, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तब हम लोगों को डेल x का मान निकालना है। आप अच्छा से चलेंगे तो ये चीजें आसान है, कैसे भाई, तो चूंकि x प्लस डेल x का वैल्यू कितना है 0.999, ये वाला से x में कितना रखना है 1, तो यहां पर रख दिया 1 प्लस डेल एक्स 0.999, इसलिए डेल एक्स का वैल्यू 0.999 में से -1 कर दिया, यहां कितना हो गया -0.001, माइनस में आ जाएगा डेल एक्स का वैल्यू। जब माइनस में आ गया तो फिर हम लोग यहां पे सॉल्यूशन करा देते हैं आगे, अब सबका मान निकल गया तो अब लिखेंगे नाउ इसके जगह पे कितना रखना है 0.999 के पावर 1/10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के मान कितना 1, 1 के पावर 1/10 प्लस 1/10 और 1 के पावर -9/10 इंटू डेल एक्स, डेल एक्स का वैल्यू -0.001,
आपको पता है ना कि वन ही एक ऐसा नंबर है जिसका पावर कितना भी रहे, एक का पावर दो, एक का पावर तीन, एक का पावर चार, उसका वैल्यू हमेशा एक होता है। जैसे कि अभी देखे ना, या तो फिर आप इसको तोड़ दीजिए कि एक कितना का होता है, तो एक का पावर दस भी एक होता है, और ऊपर सवाल में एक बटा दस दिया, तो दस दस करके तो एक ही हुआ। या फिर आप ये समझ लो कि एक का पावर कुछ भी रहे, दो बटा चार, तीन बटा आठ, कुछ भी रहे, एक ही होता है। प्लस एक बटा दस गुना इसका पावर कुछ भी है, प्लस में रहे माइनस में रहे, वैल्यू एक, ठीक है, और गुना माइनस 0.001। तो अब देख रहे पा रहे होंगे प्लस माइनस माइनस, और 0.001 में डिवाइड करना है 10 से, तब जाकर घटाना है। तो अब देख पा रहे होंगे कि इधर हो जाएगा 1 माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 में से जब 0.001 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू 0.9999 आ जाएगा, ठीक है, 99 इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें इसका आंसर इतना पता चल गया, ठीक है। तो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, सबका वैल्यू निकालने वाला, ये टफ नहीं है, इसमें आपको सोचने वाला, थिंकिंग वैल्यू, एक्स का मान परेशान करेगा, ठीक है, एक्स का मान परेशान करेगा। लेकिन दूसरी ओर बोले तो हम लोगों का जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जरा देख लेते हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो है ना, वो टोटल क्वेश्चन 9 को है, ठीक है। और दोस्तों 6.4 में पहला में टोटल 15 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, और दूसरी तरफ कि हम लोगों का थ्योरी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, हम लोग थ्योरी मात्र एक छोटा सा थ्योरी पढ़े, और उसी थ्योरी पर आपको एक्सरसाइज 6.4 का, 6.4 का पहला का 15 सवाल बन पाएगा, उसी थ्योरी पर, उसी फॉर्मूला पर। लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन आप फंसेंगे कहां, हमें पूरा विश्वास है आप फंसेंगे एक्स के मान पे, सोचने वाले मान पे, ठीक है, एक्स के मान पे फंसेंगे। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो उसी तरीके से हम जो है एक्स का मान क्या लेना है हर सवाल में बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवा, पंद्रहवा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर फंसेंगे। अगर आप नहीं फंसते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम तो ऐसा सोच ही सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आज का होमवर्क्स में सबको बोला जा रहा है, आज का होमवर्क्स है एक्सरसाइज 6.4 का 1 का ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों। कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन आपको जो है एक्स के मान क्या सोचा जाए उसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, पहला 15वां सवाल के लिए एक्स का मान क्या होगा हम यहां पे लिख देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम IMS ओवर ब्रिलियंट, हमें किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तो फिर आप इसको बिना देखे हुए सॉल्व करना ईमानदारी से, ताकि देखो अब अलग बात है, हमको भरे पता नहीं चलेगा कि तुम ईमानदारी से बनाए हो कि क्या है, लेकिन दोस्तों एक अंदर की अपनी खुशी होती है कि चलो मैं तो ऐसा सोच लिया। एक्स का वैल्यू क्या सोचना है वही मेन टैलेंट दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन में, टोटल 15 क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू क्या मानना है हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसके वजह से उनका सवाल पूरा बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसी के वजह से पहला सवाल में आप एक्स का वैल्यू 25 लीजिएगा, दूसरा में एक्स का वैल्यू 49 लेना है, तीसरा में एक्स का वैल्यू 1 लेना है, चौथा में
एक्स का वैल्यू 0.008 लेना है, देखते जाइएगा सर। पांचवा में एक लेना है, छठा में आप इसका 16 ले लीजिएगा एक्स का वैल्यू, सातवां में आप 27 ले लीजिएगा इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 27, आठवां में आप 256 ले लीजिएगा इसका वैल्यू, फिर नौवां में आप 81 ले लीजिएगा उसका वैल्यू, फिर दसवां में 400 ले लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें ग्यारहवां में तो x का वैल्यू 0.0036 ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो बारहवां में आप 27 ले लीजिएगा x का वैल्यू, ठीक है। फिर आगे बढ़े हैं तो 81 ले लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फिर 14 नंबर सवाल में x का वैल्यू 4 ले लेना है, फिर 15 सवाल में x का वैल्यू 32 ले लेना है, ठीक है। अगर मान लिया दोस्तों कि ऐसा आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि 32 के पावर 3/5 है, तब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम आपको बता देते हैं। अक्सर दोस्तों जितना बट्टा के नीचे रहता है, बट्टा के नीचे कितना है 5, तो आपको वैसा ही सोचना है कि 32 को कितना के पावर 5 लिखा जाए, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है 5 है, इसलिए आप इसको तोड़िएगा। 32 को हम 2 के पावर 5 तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 × 5 कीजिएगा ना 32 आ जाएगा, फिर 3/5, यानी कि आपको नीचे वाला को देखकर उतना ही पावर तोड़ना है। जैसे मान लिया 81 के पावर रहेगा 7/4, तो आप 81 को आप 9 का स्क्वायर नहीं लिखिएगा, ये गलत होगा, आप इसको 3/4 लिखिए, यानी 4 आपको सोचना पड़ेगा कि नीचे कितना है 4, तो इसको कितना के पावर में तोड़े जाए, तो 3/4 होता है 81, ऐसा करने से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इन चीजों का कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आपका पूरा हम हिंट्स कर दिए हैं, जो आपका सोचने वाला काम था हम खुद सोच दिए हैं, ठीक है। अगर अभी भी नहीं वो दोस्त बनेगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ दूसरी बात कि अगर आपसे अगर ईमानदारी पूर्वक बनती है क्वेश्चन, तो नो डाउट्स आप इसको जरूर बनाना, ठीक है। और जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन में कुछ थ्योरी बचा हुआ है उसको करेंगे, और टोटल इसमें 9 ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो बाकी 8 क्वेश्चन बचेगा, फिर हम लोग करेंगे। धन्यवाद।